नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। 24 न्यूज हब की आवाज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्वागत है आप सभी का 24 न्यूज हक की आवाज में। ऑटो कैब और टैक्सी चालकों की उचित समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य भर में एक दिवसीय ऑटो टैक्सी वैन और कैब बंद। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार को ऑटो ट्रांसपोर्ट विंग ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल सलीम जी ने हैदराबाद के तमाम शहर के इलाकों में जाकर तमाम ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। साथ ही साथ हजारों की तादाद में ऑटो ड्राइवरों ने मोहम्मद अब्दुल सलीम जी से और शेख नज़ीर जी से भी मुलाकात की। साथ ही साथ तेलंगाना के ऑटो ड्राइवरों पर हो रहे तमाम परेशानियों को लेकर भी बातचीत की गई। साथ ही साथ मोहम्मद अब्दुल सलीम जी ने 7 दिसंबर 2024 को तेलंगाना राज्य भर में एक दिवसीय ऑटो टैक्स वैन और कैब बंद रहेंगे और मोहम्मद अब्दुल सलीम जी और शेख नज़ीर जी और तमाम ऑटो ड्राइवर ने मिलकर 7 दिसंबर 2024 को ऑटो टैक्सी वैन और कैब बंद का बैनर हैदराबाद शहर के तमाम ऑटो पर बैनर लगाया गया, जिससे तमाम शहर हैदराबाद के लोगों को मालूम चले कि ऑटो बंद रहेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अब्दुल सलीम जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की सरकार ने जो वादे किए थे ऑटो ड्राइवर के लिए, वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। साथ ही साथ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने सभी महिलाओं के लिए बस फ्री करने की वजह से और भी चीज़ों पर पाबंदी लगाने के कारण तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट शहर के ऑटो ड्राइवरों को बेरोजगारी की और तरफ से धक्का दिया गया, जिसे सही से रोज़ की कमाई न होने के कारण ऑटो ड्राइवरों को बहुत सारी तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑटो और ट्रांसपोर्ट विंग ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल सलीम जी ने तमाम हो रहे ऑटो ड्राइवर की परेशानियों को लेकर मोहम्मद अब्दुल सलीम जी ने मीडिया से बात की और बताया कि 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य भर में एक दिवसीय ऑटो टैक्सी वैन और कैब बंद रही। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद ऑटो टैक्सी और कैब चालकों को दी गई गारंटी के कार्यान्वयन के लिए, साथ ही साथ उचित मांगों को हल करने में विफलता के कारण ऑटो और कैब चालकों की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना राज्य में ऑटो टैक्सी और कैब ऑपरेटर पिछले सरकारी शुल्क के अनुसार अन्य जिलों के ऑटो को हैदराबाद शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी निषेध करने में विफल। फिलहाल विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर ऑटो और कैब चालकों को 12,000 रुपये सालाना देगी। इसी तरह कहा गया कि ऑटो मोटर सेक्टर के श्रमिकों के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। हालांकि अब तक कोई भी कल्याणकारी योजना लागू नहीं की जा सकी। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो महालक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा प्रदान करने के राज्य की सभी ऑटो चालकों की आजीविका काफी प्रभावित हुई। राज्य के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री कई मौके पर कह चुके हैं कि वो भटके हुए ड्राइवरों की मदद करेंगे। हालांकि पिछले 12 महीने बीत जाने के बावजूद कोई सहायक दस्तावेज नहीं है। तेलंगाना राज्य में विशेष रूप से ऑटो चालकों की आजीविका को नुकसान होने के कारण कई चालक गंभीर संकट में। राज्य सरकार को तुरंत खोए हुए ड्राइवरों का समर्थन करना चाहिए। पीड़ित ड्राइवरों की ओर से ऑटो और कैब एसोसिएशन द्वारा 11 वर्षों से बढ़ी पेट्रोल डीजल तेल गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के अनुसार ऑटो मीटर शुल्क बढ़ाना सरकारों की जिम्मेदारी। इन मीटर चार्ज में बढ़ोतरी न होने से वाहन चालकों को काफी नुकसान हुआ है। जेएसी की मांग साल 2002 में हैदराबाद शहर में तत्कालीन राज्य सरकार ने प्रदूषण के नाम पर कई कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा थी। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने 2011 और 2013 में बेरोजगारी दूर करने, बड़ी आबादी के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए नए ऑटो परमिट दिए, बड़ी कीमतों पर नियंत्रण किया और ऑटो चालकों को समर्थन दिया। पिछले कुछ समय से हैदराबाद शहर में नए ऑटो परमिट की कमी के कारण ऑटो चालक एलपीजी और सीएनजी के साथ अन्य जिलों में पंजीकरण कराते हैं और फाइनेंसरों और शोरूम के बीच कुछ बिचौलिए हैदराबाद में नियमों के खिलाफ एलपीजी और सीएनजी ऑटो चला रहे हैं। यदि आप हैदराबाद में नए ऑटो खरीदना चाहते हैं तो आपको पुराने ऑटो को स्क्रैप करना होगा और नया ऑटो खरीदना होगा। सरकार और सरकारी अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अन्य जिलों में पंजीकृत ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया, जो अवैध रूप से चल रहे थे और बढ़ी हुई आबादी को समायोजित करने के लिए हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद का सार्वभौमिक रूप से विस्तार हुआ। बढ़ती आबादी के अनुरूप बेरोजगार युवाओं के लिए एलपीजी सीएन इलेक्ट्रिक के साथ नए ऑटो परमिट से लोगों को आजीविका के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन भी मिलेगा। अब्दुल सलीम यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो, आज गुड्डी मलकापुर में हमारे 7 तारीख को जो बंद का ऐलान किए हैं उसका पोस्टर रिलीज करने के लिए यहां से स्टार्ट करें हैं और मेहंदीपट्टनम जेबाबाग में भी जो है ना पोस्टर रिलीज करके आए हैं। तो मैं मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को ये बोल रहा हूं कि 7 तारीख के दिन हम बंद बोल के आपको नोटिस भी दिए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आखिर गवर्नमेंट क्या चाह रही है हमारे साथ? आप जो है ना 1 साल का जश्न मनाने के लिए 9 तारीख के दिन प्रोग्राम कर रहे, किस चीज का जश्न मना रहे? क्या ऑटो वालों को जो है ना फ्री बस दे के जो है ना हमारे पेट पे मार के आप जो है ना उसका जश्न मना रहे या नहीं कई का मना रहे, हमारे को वो भी बोलना है।
और 11 साल से ऑटो का मीटर नहीं पड़ा। और आप जो है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट आने से पहले हमारे को ये बोले थे कि टीआरएस गवर्नमेंट नहीं कर सके, सो जो भी डिमांड्स है हम आपके जो है ना वो पास करते, बोल के आप जो है ना गवर्नमेंट बना के एक साल हो रहा तो हमारे ऑटो ड्राइवरों की कोई बात आप सुनने के लिए राजी नहीं है। और 7 तारीख के दिन हम ये ऐलान कर रहे हैं कि पूरा शहर में ऑटो बंद, बोल के पूरा शहर नहीं पूरे तेलंगाना में ऑटो बंद कर रहे हैं। और आप जो 9 तारीख को जश्न कर रहे हैं उसमें जो है ना हम जो है ना काले झंडे बन के जो है ना आपके खिलाफ जो है ना हम एहतजाज करेंगे। तो हमारे जो जो डिमांड्स है ऑटो वालों को आप जो है ना 12,000 रुपये सालाना देते, बोले वो वादा कहाँ है आपका। और दूसरा जो है ना वेलफेयर बोर्ड बनाते, बोल के बोले वेलफेयर बोर्ड कहाँ है। और जो है ना रैपिडो टू व्हीलर जो चल रहे हैं, हमारा कारोबार छीन लेके लेके जा रहे जो टू व्हीलर रैपिडो ओला उबेर जो गाड़ियां हैं उसको बंद करो, बोल के हम लगातार आपसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे। और जो है ना तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियां चल रहे हैं, हम बोले डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियां क्यों खरीद रहे, यहाँ पे परमिट बंद होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी खरीद के यहाँ पे हमारा भाई लेके आके चला रहा। हम क्या बोल रहे हैं कि ऑटो परमिट खोल दिए तो जो है ना डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां नहीं लेते, यहाँ के परमिट पे हम जो है ना ऑटो चलाते। यहाँ का ऑटो लेना बोल तो 5 लाख के करीब ऑटो हो गया। तो अगर आप परमिट 20,000 परमिट खोल दिए तो 20,000 ड्राइवरों को जो है ना रोजगार मिलता, तो वो कीमत उसकी जो है ना 5 लाख से 2.5 लाख की हो जाती। तो आप जो है ना रोजगार दीजिए, आपका क्या जाता मीटर बढ़ाए तो आपका गवर्नमेंट का क्या जाता बोलिए। हम पब्लिक की सर्विस कर रहे हैं, पब्लिक से हम मांग लेंगे, आप लोगों का क्या जा रहा मीटर बढ़ाने में और परमिट देने में आपका क्या जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा ना, क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्यों ऑटो वालों को जो है ना सौतेला शुरू कर रहे। तो मैं डिमांड ये कर रहा हूँ आप मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को जल्द से जल्द हमारे को बुला के हमारे जो जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना, बोल के गवर्नमेंट को मीडिया के थ्रू ये ऐलान कर रहा हूँ। कितने टाइम से आप ये गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे रहे या लेटर दे रहे जिसके 11 महीने से हम जो है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लगातार देते जा रहे हैं कि ये हमारे जो भी डिमांड से बुला के हमारे को सॉल्व करे बोल के, लेकिन कोई गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ना कमिश्नर साहब हमारे को बुला के हमारा प्रॉब्लम सुन रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमारे को बुला के या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे को बुला के सुनने के लिए राजी है। थोड़ा से पीछे हो जाओ, इसी के साथ ये समाचार समाप्त करते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी होंगे फिर आफियत से होंगे, आपकी हर सो खुशगवार होगी और हर खुशगवार सो का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, देखते रहिए 24 न्यूज की आवाज़। जय हिंद।